Good morning to all of you. Yesterday we started with the chapter Channels of Distribution of Marketing Management और हमने meaning and types cover up कर लिए थे. Now move on to the another topic, that is types of intermediaries. So first thing you all should clear is the meaning of intermediaries. Intermediaries होता क्या है? Many producers do not sell the product and services directly to the consumers, and instead they use the market middlemen to execute this function, and those market middlemen is known as intermediaries. Intermediaries एक simple language में कौन है? They are those individuals or the business institutions who act as a mediator between producer and the कंज्यूमर. तो मार्केट मिडलमैन को अगर हम और ज़्यादा डीप में जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वो थर्ड पार्टी होती है जो तुम्हें ऑफर करते हैं इंटरमीडिएट सर्विसेज. इंटरमीडिएट सर्विसेज क्या होती हैं? लाइक द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम. नाउ दीज मिडलमैन आर क्लासिफाइड एज मर्चेंट मिडलमैन एंड द एजियन मिडलमैन. मर्चेंट मिडलमैन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू द टू कैटेगरीज, दैट इज होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स. एंड द एजियन मिडलमैन आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू फाइव मेजर कैटेगरीज, दैट इज अ ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट, सेलिंग एजेंट्स, फैक्टर्स एंड द ऑक्शनर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड. हम फर्दर वीडियोज में होलसेलर, रिटेलर्स, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, सेलिंग एजेंट, फैक्टर्स, ऑक्शनर्स, इन सबको डिटेल में कवर अप करेंगे. Good morning everyone. Today we will be continuing the same chapter, Channels of Distribution, and today's our topic is wholesalers. Who are the wholesalers? Wholesalers are those who buy the goods from the manufacturers or producers in bulk and resell them to the retailers or the other businesses into the small lots. Now what are the various functions performed by the wholesaler? Wholesaler कौन कौन से functions perform करता है? First is your assembling. वो manufacturers और producers से bulk में goods को buy करते हैं और उनको assemble करके रखते हैं. Second is your warehousing. चीज़ों को store करके भी रखते हैं. Third is your transportation. एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का भी काम करते हैं. Fourth is your dispersing and selling. Small lots में retailers को वो चीज़ें sell out भी करते हैं. Last is your financing. Credit facility भी provide करवाते हैं. Now what are the various types of wholesalers? We can basically classify the wholesalers into the three categories. First is your converter. Converter are the full line wholesalers. Full line wholesalers means they buy the products from the manufacturers or the producers and sell them to the retailers after processing them. वो इसमें कुछ add on करते हैं. जैसे अगर हम crops के उसमें example लें, तो मतलब wholesaler के पास अगर wheat है, suppose उन्होंने wheat जो है वो manufacturers या producers से bulk में खरीदी, उसकी processing करी, processing करके उन्होंने क्या किया, उस वीट को फ्लोर में चेंज किया एंड आगे क्या कर दिया, सेल आउट किसको, रिटेलर्स को. सेकेंड टाइप ऑफ होलसेलर इज फुल सर्विस होलसेलर. फुल सर्विस होलसेलर्स कौन से होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, दे मे परफॉर्म अ ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज. ये लोग काफ़ी सारी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं इटसेल्फ, जैसे स्टॉकिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, फाइनेंस, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, गुड्स को डिलीवर करवाना कंज्यूमर तक, ये सारा का सारा काम कौन करता है? यही खुद होलसेलर्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इन केस, मतलब ये बेसिकली ज़्यादा कौन से होलसेलर्स या कौन सी केस में यूज़ किए जाते हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स होती हैं उन केस में जो होलसेलर्स होते हैं वो फुल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं. अगर मैं एग्जांपल लूँ सैमसंग की, तो अगर कोई एक रीजन है जहाँ पे सैमसंग का कोई भी सेल ऑफिस नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर दिया जो वहाँ पे सारी चीज़ों को कलेक्ट करेगा. मीन्स कि वो ऑर्डर भी लेगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करवाएगा, उनको सेल आउट भी करवाएगा. तो उसने क्या प्रोवाइड करवाया, फुल सर्विसेज. तो इसे हम क्या बोलेंगे, फुल सर्विस होलसेल. नेक्स्ट टाइप इज ड्रॉप शिपर होलसेलर. ये कौन होते हैं? ये ना तो गुड्स को स्टोर करते हैं, ना ही खुद ये चीज़ों को डिलीवर करवाते हैं, रादर इन्होंने रिटेलर से ऑर्डर्स लिए और डायरेक्ट कर दिया मैन्युफैक्चरर को कि तुम ये सामान रिटेलर तक डायरेक्ट पहुंचा दो. हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टुडेज आवर टॉपिक इज रिटेलर्स. रिटेलर इज अ फर्म और ए कंपनी दैट बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और फ्रॉम द होलसेलर्स एंड देन सेल ऑफ दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड यूजुअली इनटू द स्मॉल क्वांटिटीज. हियर वी कैन साइट एन एग्जाम्पल of Apple. Apple is both a manufacturer and retailers of its product as we know, but in 1990s Apple built the retail location around the world to help the market and sell off its product. So this is an example of retailer. Now move on to the types of the retailers. Retailers are of two types. First is your small scale retailers and second is your large scale retailers.
Now we will be discuss these both into details. First is your small scale retailer. Small scale retailers can be classified into the four categories. First is your unit stores. Unit stores को हम specialty shops पे बोलते हैं और ये general stores होते हैं जो कि run किए जाते हैं proprietary basis पे, जैसे shoes की shops हो गई, books की shops हो गई, clothes की shops हो गई, etc. ठीक है. Second is your street traders. Street traders कौन है? These traders are found on the pavement of crowded streets or the markets of the cities. It means कि ये वो वाले traders हैं जो footpath पे अपना सामान जो है वो display रखते हैं, जहाँ पे crowded area होता है वहाँ पे. Third is your market traders. They sell their products at the periodical markets or on the market days. मतलब इनके इन्होंने अपनी shops जो है वो कुछ fixed days या fixed date को खोलते हैं कुछ specified area में. Like अगर वो fixed days में खोलते हैं तो उनके वो days fix होंगे, like on the Monday, like on the Wednesday, like on the Thursday, 3 days a week, or like for a week, 15 days a 15 days a month or a मंथ. देन आता है तुम्हारा लास्ट चीप जैक्स. चीप जैक्स कौन है? दे हायर द शॉप्स इन डिफरेंट रेजिडेंशियल लोकेलिटीज एंड दे डू नॉट स्टिक टू द वन प्लेस. ये कब एक प्लेस के साथ स्टिक नहीं रहते हैं, रादर दे कीप ऑन मूविंग एंड डील्स इन द हाउस होल्ड आर्टिकल्स में ज़्यादा डील करते हो. मतलब एक जगह इन्होंने खोला, सामान बिक गया, कहीं और चले गए. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ चीप जैक्स. लार्ज स्केल रिटेलर्स. सच टाइप ऑफ रिटेलर्स हैव बिग एंटरप्राइजेस टू ऑपरेट एंड डील इन द वेराइटी ऑफ गुड्स. दैट इज नोन एज लार्ज स्केल रिटेलर्स. लार्ज स्केल रिटेलर्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू द 5 कैटेगरीज. फर्स्ट इज योर डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर कौन से होते हैं? दे आर द बिग स्टोर्स ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स अंडर द सेम रूफ. एक रूफ के अंदर ही ये हमें वाइड रेंज ऑफ गुड्स विद द वेराइटीज हमें अवेलेबल करवाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर. हेयर वी कुड साइट द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक ग्लोसरी स्टोर्स हो गए, सुपर मार्केट्स हो गए, बिग बाजार हो गया, सेंट्रल स्टोर्स हो गए. दीज आर द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. सेकेंड इज योर चेन स्टोर्स. चेन स्टोर्स क्या है? चेन स्टोर्स आर द मल्टीपल रिटेल शॉप्स विच ऑपरेट अंडर द वन ब्रांड नेम. एक ब्रांड नेम के अंदर ये लोग ऑपरेट करते हैं. एक इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है, वन कॉमन ऑनरशिप. इट मीन्स कि ये जो स्टोर्स होते हैं इन स्टोर्स के कोई भी इंडिविजुअल ऑनर्स नहीं होता, जैसे कि फ्रेंचाइजी में होता है. इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तुम्हारे ऑनरशिप है, जो जितने भी स्टोर्स हैं तुम्हारे चेन में, उनका जो ऑनरशिप है वो एक ही पर्सन के हाथ में है. एंड दीज शॉप्स ऑफन इवन हैव द सिमिलर लुक्स एंड डिजाइन. जहां जहां पे भी इनके स्टोर्स होंगे उनके उनकी जो लुक्स है, उनका जो अपियरेंस है वो सेम रहेगा. Example is your DMart and McDonald's. ठीक है, McDonald's have the same kind of price range and the appearance we feel wherever we go. ठीक है. देन थर्ड इज योर सुपर मार्केट. सुपर मार्केट्स कौन सी होती हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज सेल्फ सर्विस स्टोर्स. ठीक है, स्पेशलाइजिंग इन द नेसेसरीज एंड द कन्वीनियंस गुड्स. दे सेल द फूड आइटम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द डेली बेसिस. लाइक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं इजी डेज हो गए, ठीक है, या हम बात कर सकते हैं विशाल मेगा मार्ट्स हो गए. ये हमारे क्या है? सुपर मार्केट्स की एग्जाम्पल्स. फोर्थ इज योर मेल ऑर्डर. मेल ऑर्डर में क्या है? सेलर शेयर द इन्फॉर्मेशन वाया द प्रेस, एडवर्टीजमेंट, कैटलॉग्स, इनके रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो इन मीन्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर तक शेयर करते हैं. एंड देन द बायर डज नॉट विजिट द सेलर. वो विजिट नहीं करते हैं बट ऑर्डर कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, या उनको रिसीव भी करते हैं वाया पोस्ट और द कॉरियर्स. एग्जाम्पल हो गए जैसे बुक्स के केस में ज़्यादा होता है, टॉयज, वॉचेस, क्लोथ्स, ये सब हमारे किस में आ गए? मेल ऑर्डर्स. जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लाइक हमारा जो मिंत्रा है या फ्लिपकार्ट्स हैं, ये सारे. देन फोर्थ इज योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर देमसेल्फ हु बाय द प्रोडक्ट्स इन लार्ज बल्क फॉर द मेंबर एज वेल एज फॉर द नॉन मेंबर्स. एक दूसरे की हेल्प के लिए ये लोग क्या करते हैं? यूज. थैंक यू.